आज जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं उसको लेकर अखिलेश यादव ने उन पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, आधे अधूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की हड़बड़ी बताती है कि इसका डिजाइन भी ऐसा ही चलताऊ बना है। तभी डिफेंस कॉरिडोर के पास होने के बाद भी यहां बीजेपी सरकार एसपी काल में बने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसी हवाई पट्टी नहीं बनवा पाई। इसे चित्रकूट तक विकसित न करना दूरदृष्टि की कमी को दिखाता है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन होना है और उस उद्घाटन से पहले अखिलेश यादव ने यहां पर केंद्र सरकार को घेरा है। प्रधानमंत्री मोदी आज इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है। 15,000 करोड़ की लगभग लागत में ये एक्सप्रेसवे बना है। 296 किलोमीटर लंबा है। उम्मीद की जा रही है कि इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत के साथ ही बुंदेलखंड में विकास के कार्य में तेजी आएगी। लेकिन अखिलेश यादव यहां पर मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट कर रहे हैं जिसकी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, आधे अधूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की हड़बड़ी बताती है कि इसका डिजाइन भी ऐसा ही चलताऊ बना है और यही वजह है कि डिफेंस कॉरिडोर के पास होने के बाद भी यहां भाजपा सरकार सपा काल में बने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसी हवाई पट्टी नहीं बनवा पाई है। इस बात की हर किसी को जानकारी है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी बनी है, लेकिन यहां पर यह हवाई पट्टी नहीं बनी है और इसे चित्रकूट तक विकसित ना करना दूर दृष्टि की कमी को दिखाता है। ये आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसका आज होना है उद्घाटन, प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, उसके उद्घाटन से पहले अखिलेश यादव ने यहां पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि इस एक्सप्रेसवे को चलताऊ ढंग से बनाया गया है। तो एक ट्वीट किया है उन्होंने और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, अब से 8 मिनट पहले अखिलेश यादव का यह ट्वीट आया है, आधे अधूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की हड़बड़ी बताती है कि इसका डिजाइन भी ऐसे ही चलताऊ बना है। तभी डिफेंस कॉरिडोर के पास होने के बाद भी यहां भाजपा सरकार सपा काल में बने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसी हवाई पट्टी न बना पाई। इसे चित्रकूट तक विकसित न करना दूरदृष्टि की कमी है। तो एक वीडियो पोस्ट करते हुए इस एक्सप्रेसवे का अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है और ये जो वीडियो भी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है उसमें अभी निर्माण का कार्य चल रहा है। जो वीडियो अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है उसमें निर्माण कार्य चल रहा है, ये तब का वीडियो है। अखिलेश यादव इस वीडियो के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस एक्सप्रेस वे की शुरुआत करने में हड़बड़ी दिखाई है सरकार ने। साफ तौर पर इस वीडियो को पोस्ट करने की मंशा यही है अखिलेश यादव की। आज इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन होना है, प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इस एक्सप्रेस वे की शुरुआत के बाद दिल्ली से चित्रकूट की दूरी महज 6 घंटे की रह जाएगी, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि इस एक्सप्रेस वे के उद्घाटन में हड़बड़ी दिखाई जा रही है, जल्दी की जा रही है और एक वीडियो भी उन्होंने पोस्ट किया है जो कंस्ट्रक्शन के काम को दिखाता है।